वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने 5 से 25 सितंबर के मध्य मनाए जाने वाले शिक्षा पर्व की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, DIS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने शासन द्वारा 5 से 25 सितंबर के मध्य शिक्षा पर्व मनाए जाने के लिए दिए गए निर्देशानुसार उत्सव को प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विशेष प्रकार में सब्जेक्ट का एक सभी विद्यालय में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने स्कूल बैंकिंग की बात को उठाया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्कूल प्रिंसिपल को देना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर हैंडल जो सही ढंग से नहीं हो पाना पड़ेगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा इस प्रकार के मैटर के लिए। The NEP also said that they are of a very prolonged process. कहने में और आसान लगता है, but this has a huge fallout. And अब करिकुलम प्रोसेस का पार्ट होगा तो naturally इसका evaluation भी होगा और इसको हमें उनके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड से हमें रिपोर्टिंग भी करनी होगी। तरीको एक्सटर्नल मूल्यांकन की बात नहीं आ रही, बात नहीं उठाई जा रही, किंतु इनका मूल्यांकन होगा और इस प्रकार जो इनका रिपोर्ट हमारे जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। पॉलिसी ने यह भी कहा है कि देयर बी होलिस्टिक आपके जो है ये रिपोर्ट कार्ड बच्चों के लिए जो है तैयार करने होंगे और जिसमें रिपोर्ट कार्ड जो है अपन क्या है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिंग सोशियो इमोशनल एंड साइकोमोटर डोमेन जो है ये सब आपके जो रिपोर्ट कार्ड में आपके रिस्पेक्ट होने चाहिए। देखना पड़ेगा कि हमारे स्कूलों के फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से जानकारी प्राप्त करते हुए उसको हम वेबसाइट में डालेंगे और उसका मूल्यांकन भी हो रहा है और रिपोर्ट कार्ड भी अंकित भी हो रही है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो हमें इसकी जानकारी देते हुए अपने वेबसाइट पे हम उसको डालें जिससे उन्हें जो है आगे आने वाले दिनों में सुधार बनाया जा सके। शुरुआती तौर पर हम ये चाहेंगे कि आप बहुत लंबा स्टेप लें, एक स्मॉल स्टेप लेने का प्रयास करें कि क्या ये विद्यालय में संभव है या नहीं, और सेकंड स्टेज में इसी चरण में हमको जो है नॉन एरिया प्राइवेट स्कूलों को लेने की आवश्यकता पड़ेगी। केवल हमें सूचना देना, इंस्पेक्शन जांच कुछ नहीं होना, सूचना देकर वेबसाइट पर डाल देना है कि दिस इज इट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी डिसीजंस है वो है आपके की यूनिवर्सल एक्सेस सेकेंडरी एजुकेशन अप टू ग्रेड 12। मैं ये कहना चाहूंगा दिस इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द प्रेजेंटेड पॉलिसी।